5000 टीचरों का ट्रांसफर जो हुआ वो दिल्ली में तहलका मचाने वाला मुद्दा था, उस पर हमने शिक्षा मंत्री महोदय बड़े ट्विस्ट आए, तो शिक्षा मंत्री महोदय ने एक बार जो उन्होंने कहा कि 20 दिन के 25 दिन के बाद उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि शिक्षा की पॉलिसी मतलब ट्रांसफर की पॉलिसी बदल गई है, तो उनका बड़ा ये गैर जिम्मेदाराना बयान था। तो हमने लगा कि शिक्षा मंत्री नहीं देख रहे तो कौन देख रहा है हमारे विभाग को। उसके बाद उन्होंने जो 5000 टीचरों का ट्रांसफर हुआ तो उसको मुद्दा बनाना चाहा, कभी बताया कि ये LG साहब ने कर दिया, कभी बताया कि डायरेक्टर साहब ने कर दिया। अगर आपकी इतनी भी संज्ञान में नहीं है, इतना भी कंट्रोल आपका नहीं है, तो फिर टीचर किसके किसको अपना माई बाप समझें। इस पर हमें बड़ा वो लगा। और उसके बाद उन्होंने 5000 टीचरों को ये कहा कि यही टीचर थे जिन्होंने शिक्षा का मॉडल बनाया, इसलिए उन शिक्षकों को भी दुख है कि हमारे 5000 को क्यों अलग से चिन्हित कर दिया, हमने तो कोई स्पेशल नहीं किया। जैसे हमारे 50000 टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसे वो 5000 पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो अलग अलग इनका श्रेणी बना के एक तरह से टीचरों के नाम पे ये जो टीचरों के नाम पे मुद्दा इसलिए बनाया गया कि 5000 टीचरों के बलबूते शिक्षा का मॉडल चल गया। ऐसे वो नहीं थे, उनमें कोई मेंटोर टीचर नहीं है, किसी मेंटोर टीचर का ट्रांसफर नहीं हुआ जो इनके अपने दल में थे, तो इसलिए हमारे मेंटोर भी हमारे हैं और दूसरे TDC भी हमारे हैं, लेकिन अलग अलग बांट के इस तरह की राजनीति ना करें। 5000 टीचरों के ट्रांसफर पे जब हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने अब हाथ खड़े किए तो हम अपने LG साहब के द्वारा हमें रिलीफ मिला, LG साहब के पास हम गए और हमारे हमारे जो सांसद महोदय हैं उन्होंने हमारे हम सांसद जितने भी हमारे दिल्ली के सांसद हैं हमने उनको अपनी रिक्वेस्ट की, उनके कारण हमारा ये मुद्दा हुआ। और मैडम ने उसके बाद भी ये जो तरह तरह की बातें की उससे टीचर आहत हैं, इसलिए हम आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए।